हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि गुनगुन सेविंग क्लासेस में अभी संपूर्ण सिलाई कोर्स चल रहा है, जिसकी आज क्लास फोर्थ है, जिसमें मैं आज आपको फोर टक्स वाला ब्लाउज बताने वाली हूँ, जो कि बेल्ट वाला है। पहले वीडियो में मैं आपको बिना बेल्ट वाला फोर टक्स ब्लाउज बता चुकी हूँ, कटोरी वाला ब्लाउज बता चुकी हूँ, उसकी स्टिचिंग भी बता चुकी हूँ। तो उसमें आज मैंने आपके लिए ये क्लास फोर्थ के अंदर हम फोर टक्स वाला बेल्ट वाले ब्लाउज के बारे में सीखेंगे, जिसके अंदर हम टक्स लगाना, बेल्ट निकालना और बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो फोर टक्स में हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो सब चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पिछला वीडियो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दिया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा बेल्ट वाला फोर टक्स ब्लाउज है, जिसके लिए सबसे पहले आपको नाप नोट करना है। मैं आपको एक छोटा सा इस पे बता देती हूँ कि किस तरीके का ये ब्लाउज आपका बनेगा। देखिए, ये शोल्डर रहेगा, ये लंबाई है, ये आगे का गला है, ये आर्म होल है और यहां से हम बेल्ट निकालेंगे। ये फिटिंग की सिलाई हमारी और ये मार्जिन सिलाई। इस प्रकार का हमारा ब्लाउज रहेगा। आगे एक टक्स, दो टक्स, तीन टक्स और ये चार, ठीक है। इस तरीके की ब्लाउज की आज मैं आपको ड्राफ्टिंग इसमें बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको इसकी ड्राफ्टिंग समझाऊंगी। सबसे पहले आपको नाप नोट कर लेना है। नाप हमारा, आप देखिए, लंबाई आपकी यहाँ पर 14 इंच की है, सीना आपका यहाँ पे 36 इंच का है, कमर आपकी यहाँ पर 28 इंच की है, शोल्डर यहाँ पर आपका लगभग 13 इंच का है, ठीक है। देखिए, ये नाप आप देख सकते हैं, नाप यहाँ से नोट कर लीजिए आप। आगे का गला जो हम रखेंगे वो लगभग यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच का और पीछे का गला हम यहाँ पर रखेंगे 9.5 इंच का। ये गला है हमारा और उसके बाद आएगी हमारी आस्तीन। आस्तीन हम यहाँ पे 3 इंच की और गोलाई यहाँ पे 12 इंच की, ठीक है। नाप लेने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि पहले आपको ब्लाउज का पिछला भाग निकालना है, उसके बाद आपको ब्लाउज का अगला भाग निकालना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्लाउज के बैक पार्ट की यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग आपको पता है, हर बार हम सेम चीज में ही बैक पार्ट बनाते हैं। तो आपको बैक पार्ट में क्या करना है, लंबाई लेनी है। लंबाई आपकी यहाँ पे 14 इंच की है, 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 इंच लंबाई आएगा। शोल्डर आपका यहाँ पे 13 इंच है, शोल्डर का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 13 का आधा करेंगे तो 6.5 और 6.5 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.5 इंच। 6 इंच हम यहाँ पे आर्म होल का ले लेंगे, कोना बनाएंगे, 1.5 इंच पर हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का निशान देंगे इस प्रकार से, और उसके बाद आगे का गला हम यहाँ पर निकालेंगे लगभग 2.5 इंच पर, और गले की जो लंबाई है हमारे पीछे की 9.5 इंच पर। तो देखिए, हमने 9.5 इंच पर गले की गोलाई, गोलाई का शेप आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। सीना यहाँ हमारा आएगा 9.5 इंच पर, और 1.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। आधा इंच हम बढ़ा कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ये बॉडी मेजरमेंट से डाल रहे हैं। नीचे कमर की लंबाई मिलाएंगे, कमर हमारी कितनी है, 28 इंच है, 28 का चौथा करेंगे तो 7 इंच, 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 इंच। ये हुई हमारी कमर की चौड़ाई, जिसे हम इस प्रकार से मिला देंगे। 1.5 इंच मार्जिन का हम अलग से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और टक्स की जो दूरी लेनी है वो आपको 3.5 इंच की लेनी है, और यहाँ पे जो टक्स की लंबाई लेंगे वो हम कितने इंच पर ले लेंगे, 5.5 इंच पर, ठीक है। बैक पार्ट पिछले ब्लाउजों की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट बताती हूँ। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती। देखिए, फ्रंट पार्ट अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सबसे मेन आपका पार्ट यही है, बैक पार्ट आपने 2-3 बार देख रखा है, हर में आपका एक जैसे ही बनेगा। मेन फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको खुले भाग से निशान लगाना है, जो कि आपकी 14 इंच की लंबाई है। 14 इंच की लंबाई में आपको क्या करना है, यहाँ पे लगभग 1.5 इंच बढ़ाना है। ये देखिए, 1.5 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है, यानी कि आपकी जो लंबाई होगी वो कितने इंच की आ जाएगी, यहाँ पे 15.5 इंच की। जो आपका शोल्डर का माप है वो कितने इंच का आ जाएगा, आपका 5.5 इंच का। आर्म होल आपका कितने इंच का आ जाएगा, लगभग 6 इंच का। देखिए, बिल्कुल सावधानी से मैं निशान लगा रही हूँ, बिल्कुल सफाई से आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है, बिल्कुल हल्का सा अंदर लेते हुए आपको गोलाई का निशान लगाना है। ये देख लीजिए आप, ये हमने यहाँ पे 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई का निशान बना दिया। ये लगभग 2.5 इंच पर आपको को गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। आगे का गला आपका 6.5 इंच का है और बिल्कुल 6.5 इंच पर आपको गोलाई का शेप बना देना है। ये देखिए,
ये यहाँ तक हुई आपकी गले और आर्मोल की बात। हल्का सा आधा इंच आपको गले की तरफ डाउन रखना है ताकि आपकी शोल्डर की फिटिंग अच्छी आए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सीने का निशान लगाना है। सीना आपका यहाँ पे 9.5 इंच, 1.5 इंच आपका मार्जिन का निशान है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलानी है। आपकी नीचे कमर आपकी 28 है तो 28 का चौथा करेंगे तो 7 इंच, और 1.5 इंच हम यहाँ पर टक्स का जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 8.5 इंच। अब देखिए हम यहाँ पे 8.5 पर निशान मिलाएंगे, इस निशान को बिल्कुल स्ट्रेट और 1.5 इंच का जो मार्जिन है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट ले लेंगे। ठीक है, आया आपको ये समझ में? ये हमारा कमर वाला भाग है, ठीक है, और ये सीने वाला भाग है। अब देखिए आपको हमें क्या करना है, ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो आपका बस्ट पॉइंट कितना है। अगर आपको ये नहीं रहता है ध्यान, आप ये नहीं लेते हैं नाप लेते वक्त, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको ऊपर वाला भाग कितना रखना है। तो देखिए मैं उसके लिए अभी आपको साइड में एक चार्ट बता दूंगी कि आपको ऊपर वाला भाग कितना रखना है और नीचे आपको बेल्ट कितना निकालना है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा आसानी से बनाने में हो जाएगी। तो देखिए ये 36 इंच का ब्लाउज है, तो 36 में हमें क्या करना है, यहाँ पे लगभग 3 से 3.5 इंच का बेल्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ से नीचे से हम 3.5 इंच यहाँ पे नापेंगे और पीछे के भाग में हम 3 इंच नापेंगे, ठीक है। हल्का सा आधा इंच का नीचे की तरफ डाउन रखेंगे। अब इस निशान को इस प्रकार से डॉट डॉट करके मिला देंगे। देखिए आपने देखा ये मैंने डॉट डॉट करके लाइन को मिला दिया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है। लेकिन मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपको स्ट्रेट लाइन में जो है योग पट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्या होती है, जब बस्ट को क्रॉस करती है तो देखने में बहुत ही भद्दी लगती है। इसलिए आपको देखिए यहाँ पे हल्का सा 1 इंच ऊपर की तरफ आपको चढ़ाना है। ऊपर की तरफ चढ़ा के 1/2 इंच आपको नीचे की तरफ लेते हुए इस तरीके से राउंड पट्टी बनानी। देखिए आप देखेंगे जब मैं ये डॉट वाली पट्टी हटा दूंगी तो कितनी सुंदर हमारी ये पट्टी दिख रही होगी आपको ब्लाउज में। ये देखिए कितनी एकदम बहुत ही अच्छी पट्टी है। हल्का सा 1 इंच आपको ऊपर और 1/2 इंच हल्का सा सेंटर से नीचे लेते हुए आपको इस पट्टी को मिला देना है, जिससे आपकी जो क्रॉस पट्टी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपको टक्स के निशान लगाने हैं। यहाँ खुले भाग से आपको यहाँ पे 3.5 इंच, यहाँ पे आपको कितना लेना है 3.5 इंच, और ये वाला निशान आपको कितना लेना है लगभग 2.5 इंच। ये जो टक्स के नाप है ये भी थोड़े अलग अलग जाते हैं। छोटे नाप में ये 2 इंच के रहते हैं, मीडियम नाप में ये 2.5 इंच के रहते हैं, और बड़े नाप में ये 2.75 से 3 इंच पे जाते हैं। उसके लिए भी एक चार्ट है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने ये निशान लगा लिया, मेन हमारा ये टक्स का निशान बस्ट का निशान आ गया। उसके बाद में हमें 1.5 इंच इस दूरी पर लेना है, 1.5 इंच हमें इस दूरी पे लेना है। इंची टेप को घुमा के 1.5 इंच हमें इस दूरी पर लेना है और इंची टेप को घुमा के हमें 1.5 इंच इस दूरी पे लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये चारों पॉइंट बन जाएंगे। चारों पॉइंटों को मिलाने के लिए हमें एक निशान साइड की तरफ, दूसरा निशान आर्मोल की तरफ और तीसरा निशान हुक पट्टी की तरफ मिला देना है। अब देख सकते हैं आप ये हमारे चारों निशान कितनी सही तरीके से बने हुए, कितना अच्छे निशान लग रहे हैं। उसके बाद एक तरीका और है जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपके जो टक्स हैं वो सही लगे हैं या नहीं। देखिए आपको क्या करना है, चारों ही डॉटों को डॉट डॉट से मिलाकर देखना है। देखिए जैसे हमने कि वन टक्स में भी आपको बताया था कि आपको ये गोलाई का शेप बना के देखना है। अगर ये आपका गोलाई का शेप बराबर आ रहा है मतलब आपके टक्स बिल्कुल सही लगे हैं, और अगर आपके टक्स में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ होता है तो आप उसे अपने राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए तो ये हुआ हमारा फ्रंट पार्ट का निशान, जिसे मैंने आपको एक एक चीज इसमें क्लियर की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इससे रिलेटेड चार्ट मैं आपको साइड में बता देती हूँ। देखिए इससे रिलेटेड चार्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है किस साइज में आपको लंबाई लगभग कितनी रखनी है, उसके बाद में आपको ऊपर वाला भाग कितना रखना है और बेल्ट वाला भाग कितना रखना है। तो देखिए जैसे कि आपने चार्ट में दे रखे हैं 28 के पास में 12 लिखा है, यानी कि 28 साइज का जो ब्लाउज है वो लगभग 12 लंबाई का होगा, उसका अपर वाला भाग 11.5 इंच का जाएगा और बेल्ट वाला भाग आपका कितने इंच का आ जाएगा, 2.5 इंच का आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे, इस तरीके से अगर आप ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि चार्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, इसी ब्लाउज से रिलेटेड है कि आपको लंबाई लगभग इसमें कितनी रखनी है,
उसके बाद ऊपर वाला भाग कितना आएगा और बेल्ट वाला भाग इसमें कितना आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये था हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज, फोर टक्स बेल्ट वाला ब्लाउज और ये उसका चार्ट। आगे आने वाले वीडियो में देखिए मैंने आपको यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से कटोरी वाला ब्लाउज और फोर टक्स ब्लाउज और बिना बेल्ट वाला फोर टक्स ब्लाउज बता दिया है। अब मैं आपको धीरे धीरे इसमें एडवांस चीजें बताऊंगी कि जिसमें आपको वी नेक ब्लाउज है, डीप गले वाले ब्लाउज है और सभी साचे पैटर्न के ब्लाउज भी हम इसी क्लास में समझेंगे और उन्हें सिलना सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।